हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सर्जन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, सर्टेन सिंपल पेंडुलम हैज अ पीरियड ऑफ 2 सेकंड, व्हाट विल बी इट पीरियड व्हेन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम डबल्ड। हमें कह रखा है कि एक सिंपल पेंडुलम का जो पीरियड है वो 2 सेकंड है, जब इसकी लेंथ को डबल कर देंगे तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो बेसिक सी बात है, सिंपल पेंडुलम कुछ इस प्रकार से होता है कि हमने क्या कर दिया, एक सरफेस से धागे पे ऐसा एक बॉब को क्या कर दिया, अटका के ऐसे लटका दिया। तो फिर हम अगर इसको मोशन कराते हैं तो ये क्या करेगा, एक ऑसिलेशन करेगा मेन पोजिशन के अलॉन्ग, क्या करेगा वो करेगा आपका ऑसिलेशन करेगा। तो एक बार इधर को एक्सट्रीम जाएगा, एक बार इधर को एक्सट्रीम जाएगा, और जब ये यहाँ से यहाँ एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पे जाता है तो वो उसका एक ऑसिलेशन कराता है। तो इस ऑसिलेशन को करने में जो टाइम लगता है वही क्या कहलाता है, इस बॉब का, इस पेंडुलम का क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। तो टाइम पीरियड हमें इधर रखा है 2 सेकंड है, किस केस में, जब इसकी लेंथ क्या थी शुरू में, सपोज एल लेंथ थी। इसके बाद क्या किया कि इन्होंने आपका जो ये लेंथ है इसको क्या कर देते हैं, बोल रहे हैं डबल कर देते हैं, 2L कर देते हैं। पहले L थी, अब हमने 2L कर दी। तो ये पूछ रहा है जब ये 2L की होगी तब इसका जो ये टाइम पीरियड T होगा वो कितना होगा, जबकि हमें बोल रखा था जब L था तब इसका टाइम पीरियड हमें दे रखा था कितना था, 2 सेकेंड था। तो टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, टाइम पीरियड होता है 2π डिवाइडेड बाई रूट ऑफ L ओवर G। L जो है कि लेंथ है पेंडुलम की, लेंथ क्या होती है, जहाँ पे से हमने सस्पेंड कर रखा है और इस बॉब के जो सेंटर ऑफ मास है वहाँ तक की जो कॉर्ड की लेंथ होती है वो इसकी लेंथ कहलाती है सिंपल पेंडुलम की। तो हमने ले रखा है इसकी लेंथ शुरू में एल थी, तो हम ये मान लेते हैं ये क्या है, टाइम पीरियड टी वन है, किसका, जो हमारा पहला केस है जब हमारा जो बॉब की लेंथ थी वो एल थी। तो टी वन क्या हो जाएगा, 2π रूट ऑफ एल ओवर जी हो जाएगा। अब यहाँ पे टी वन हम जानते हैं कितना है, टी वन की वैल्यू, टी वन की वैल्यू आपको दे रखी है, वो आपको दे रखी है 2 सेकंड। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2π रूट ऑफ एल ओवर जी हो जाएगा। पहले केस में इसको टी मान लो, टी बराबर क्या हो जाएगा, 2π रूट ऑफ एल ओवर जी हो जाएगा, क्योंकि टी दे रखा है 2 सेकंड। ठीक है जी, अब क्या कर दो कि यहाँ पे दूसरे केस के लिए हम लिखते हैं टाइम पीरियड। सपोज दूसरे केस के लिए टाइम पीरियड हमने माना कि टी टू है, टी टू बराबर क्या हो जाएगा, 2π रूट ऑफ एल ओवर जी। तो एल क्या है इस दूसरे केस में, लेंथ को डबल कर दिया है, तो 2L ओवर जी हो जाएगा। ये हमें एक इक्वेशन मिली थी, ये हमने इक्वेशन सेकंड मान ली। यहाँ पे क्या कर दो, इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो इक्वेशन सेकंड से। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट राइट हैंड साइड वाली को राइट हैंड साइड से डिवाइड करोगे, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, T2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π रूट ऑफ एल ओवर जी, सारा का सारा डिवाइड हो जाएगा 2π रूट ऑफ 2L ओवर जी। तो यहाँ पे देखो 2π से 2π कैंसिल, बाकी क्या बचेगा यहाँ पे, T2 अगर मैं देखूँ तो T2 क्या हो जाएगा, इसको सिंपलीफाई करने पे T2 बराबर हो जाएगा, T2 इधर चला गया और ये इधर आ जाएगा 2 के अपॉन में, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई, ये यहाँ बच रहा है आपका रूट का 2, जी से जी कैंसिल हो गया, जी से जी भी कैंसिल हो गया, हाँ यही बच रहा, रूट का 2 बच रहा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा आ गया, कितना होता है रूट का 2 की वैल्यू, 1.41। तो ये आपका आ जाएगा T2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2.82 सेकेंड। तो इतना टाइम पीरियड आ जाएगा जी, जब एल लेंथ थी तब 2 सेकंड था और जब हमने लेंथ को डबल किया तो हमारा टाइम पीरियड कितना आया, 2.82 सेकेंड आया। और हमने कौन सा लॉजिक फॉलो किया वो आपकी समझ में आया होगा, आई होप आपको जो ये कॉन्सेप्ट है वो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।